नमस्कार दोस्तों, मैं रम्या आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस रेडर के लोन एस्टीमेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो एंड तक देखना, कितना डाउन पेमेंट आप इसके ऊपर दे सकते हैं और कितने परसेंट तक का लोन हो जाएगा और क्या इंटरेस्ट रहेगी, आज बात करेंगे पूरा इसी वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीवीएस रेडर के प्राइस के बारे में। तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी सिटी का नेम, स्टेट का नेम और पिन कोड आप मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर ही। मैं वहीं पर ही रिप्लाई कर आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस आपको दे दूंगा। साथ ही में अगर आपकी अदर क्वेरीज हैं या फिर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन जाननी है मुझसे, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। और साथ ही में अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड आपकी सिटी का लोन का एस्टीमेट चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। तो मेनली अब बात करते हैं टीवीएस रेडर के लोन एस्टीमेट के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, इसके ऊपर 90% तक का लोन भी हो जाता है, 70% भी हो जाता है, 50% भी हो जाता है, और अगर आप कम कराना चाहते हैं तो कम भी आपको लोन देखने को मिल जाएगा। करने वाली कंपनी है टीवीएस फाइनेंस, और मैं आपको बताने वाला हूँ आज इसी के बारे में कि क्या आपको कितने रुपये का फाइनेंस इसके ऊपर कराना चाहिए और आप इंटरेस्ट रेट जो है उससे कैसे बच सकते हैं, कितने महीने की किस्त आपको करानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी सिटी का जो प्राइस है, हर एक सिटी का प्राइस अलग अलग होगा, तो मैं आपको मेरी सिटी के प्राइस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आपकी सिटी के प्राइस के हिसाब से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स वेरीफिकेशन के बारे में। तो टैक्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपके वहाँ पर टैक्स कम भी हो सकता है। मेरे यहाँ पर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ 13% है, तो मेरे को उस हिसाब से टैक्स को करना पड़ता है। साथ ही में अगर बात करें लोन के प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो है वो मेरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में हर एक मोटर व्हीकल का प्राइस आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर टीवीएस रेडर का प्राइस आता है डिस्क वेरियंट टॉप मॉडल का 1,05,000 रुपये। और साथ ही में अगर बात करें मैं इसके ऊपर लोन कराना चाहता हूँ मिनिमम, तो वो है 58,000 रुपये तक का। और प्राइस की अगर बात करें तो मेरे को जो डाउन पेमेंट देना है वो 49,770 रुपीज़ देना है। वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। अगर 1,05,000 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस है तो मेरे को लगभग इसके ऊपर 50,000 रुपये तक का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। साथ ही मैं इसके ऊपर आपको मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 58,000 का लोन होगा, HPN चार्ज और फाइल चार्ज इसके अंदर लगता है, एक तो हाइपोथिकेशन, और साथ ही मैं आपको फाइल चार्ज देना पड़ेगा 2,000 रुपये। हाइपोथिकेशन का चार्ज है 750 रुपीज़, और साथ ही में फाइल चार्ज जो है वो आपको मिनिमम देना पड़ेगा इसके अंदर 2,000 रुपये तक का। तो जो प्राइस आपका निकल के आता है 47,000, वो पहुंच जाता है 49,770, यानी कि उन 50,770 रुपये का प्राइस आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो ये होता है इसका डाउन पेमेंट। अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट, तो आपने भर दिया 50,000 रुपये तक का। अब आपको कितना किस्त आती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो 12 महीने की जो किस्त है वो है 5,415 रुपये, और 24 महीने की जो किस्त है 2,997 रुपये, यानी कि 2,997 आपको इतनी किस्त देखने को मिल जाएगी इसकी, जो 24 महीने की है, और 12 महीने की है 5,414 रुपये। फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट देनी है वो 12% की इंटरेस्ट रेट देनी है। अगर आप 2 महीने की कराते हैं, अरे 2 साल की अगर आप कराते हैं, तो आपको 24% तक की इंटरेस्ट रेट इसकी लग जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप करा रहे हैं तो 50% तक का लोन कराएं, उससे ज़्यादा का ना कराएं, क्योंकि कई लोग तो आप तो मतलब ये चीज़ है कि अगर चाह लेंगे तो 90% तक का लोन भी हो जाएगा, बट ये है कि इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अगर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगी, और अगर आपने 36 मंथ्स की किस्त कराई है, तो 36% तो आप खाली इंटरेस्ट दे रहे हो, पर ईयर 12% का इंटरेस्ट आपको लगना है। तो ये फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा इस बाइक के लिए। तो जो 1,05,000 की गाड़ी है वो आपको जाकर पड़ेगी 1,36,000 के समथिंग भी। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राइस वेरी कितना करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। 50% तक का अगर आप कराते हैं लोन, तो उसमें आप अगर 12 से 24 महीने की भी किस्त रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर हुआ आपका, अगर 1 महीने की किस्त है 5,000 रुपये, अगर आपके पास आ गए 8,000 रुपये और आपने 8,000 पे कर दिए, या आपने 10,000 पे कर दिए, चलो इस महीने का मैंने 2 महीने का एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो लोन का जो वैल्यूएशन है वो कम होता जाता है। तो आपको ये फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डाउन पेमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जितना आपसे होएगा
अब उतना है। बाकी टीवीएस में तो क्या है कि आप चाहें तो 10,000 रुपये पर भी ये बाइक लेकर जा सकते हैं, बट इंटरेस्ट रेट जो आएगी वो आप ही के लिए घातक होगी। कंपनी को कुछ नहीं है, कंपनी तो आपको देने ही बैठी है सब कुछ, लेकिन ये है कि आपको नुकसान होएगा ब्याज का। तो 36% ब्याज बढ़ने से अच्छा है कि आप 50% तक का लोन कराएं और 12 महीने की किस्त कराएं, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि महीने के अंदर 5 से 6 हज़ार रुपये निकलना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है। और अगर जिनके लिए बड़ी बात है उनके लिए 24 महीने की किस्त आप करा सकते हैं, उसमें आपको 3,000 रुपये तक ही पेमेंट करना है। तो आप ये चीज़ रख सकते हैं, लेकिन आप 36 महीने की 48 महीने की भी किस्त हो जाती है, लेकिन वो करना आप ही के लिए हानिकारक है, क्योंकि 12% इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं तो 7% तक का इंटरेस्ट रेट होता है मिनिमम। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो बर्ड्स कार फैमिली, कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका प्यार मुझे दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।